हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फाइबर के फायदे। दोस्तों, हम सभी अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए हर संभव प्रयास जैसे कसरत, व्यायाम, प्राणायाम, खेल आदि सभी कुछ करते हैं। इन सभी के साथ साथ उच्च फाइबर आहार आपके संपूर्ण तंत्र को बेहतर ढंग से बनाने में मदद करता है, क्योंकि भोजन में फाइबर की कमी अनेकों रोगों को जन्म दे सकती है, जैसे पेट से संबंधित अनेक रोग, कब्ज, बवासीर, कोलेस्ट्रॉल आदि। फाइबर एक ऐसा पदार्थ है जो कि हमारे शरीर की जरूरत है। ये दो प्रकार के होते हैं, घुलनशील और अघुलनशील। अनेकों खाद्य पदार्थों में दोनों ही प्रकार के फाइबर पाए जाते हैं। घुलनशील फाइबर जेल में बदलकर धीरे धीरे पच जाते हैं, लेकिन अघुलनशील फाइबर पाचन क्रिया के दौरान पचते तो नहीं, फिर भी मल के साथ बाहर निकल जाते हैं। आइए अब जानेंगे फाइबर क्या है। फाइबर अनाज, फल, पत्तेदार सब्जी, रोटी, फलियों, दालों व तमाम खाद्य वस्तुओं के उस हिस्से को कहते हैं जो बिना पचे व अवशोषित हुए ही आंतों के द्वारा बाहर निकल जाता है। ये भोजन का हिस्सा जो बाहर निकल जाता है, ये भोजन के आवश्यक तत्व ही होते हैं। इन्हीं के कारण ही पेट की सफाई अच्छी तरह और आसानी से होती है। ये वो पदार्थ होते हैं जो आंतों में चिपकते तो नहीं, बल्कि इनके कारण पाचन संबंधी अन्य पेट की समस्याएं भी समाप्त होती हैं। पेट की किसी भी प्रकार की खराबी व कब्ज होने पर आंतों की भीतर की परत या सतह या तो कमजोर पड़ जाती है या फिर नष्ट हो जाती है और छोटी छोटी थैलियों के रूप में बन जाती है। रेशा युक्त या फाइबर वाला भोजन करने से सारा मैल मुलायम होकर बाहर निकल जाता है और इस फाइबर की अधिक मात्रा आंतों के आसपास पड़ने वाले दबाव को रोकने में मदद करती है। रेशेदार पदार्थ बवासीर, कब्ज तथा अनेकों रोगों से हमें बचाते हैं। रेशेदार भोजन से पेट में गैस बनने पर नियंत्रण रहता है, भोजन का पाचन ठीक से होता है और शरीर को ऊर्जा मिलती है। इसीलिए फाइबर फूड या रेशेदार पदार्थ भोजन के लिए बहुत ही जरूरी है। आइए जानते हैं कुछ खाद्य पदार्थ जिनके प्रयोग से आप अधिक फाइबर को अपने आहार में शामिल कर सकते हैं, जैसे दालें, फल, रेशेदार सब्जियां, ब्राउन ब्रेड, सूखे मेवे, गेहूं का चोकर सहित आटा, ब्राउन राइस, मटर, ओटमील, मक्का आदि। अपने नियमित भोजन में इन सभी चीजों का भरपूर प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि इन सभी खाद्य पदार्थों में भरपूर मात्रा में फाइबर होता है। अपने भोजन में इनके सेवन से शरीर को ऊर्जा मिलती है, पाचन क्रिया ठीक ढंग से होती है, साथ ही साथ भीतर की सफाई होने से हम रोग मुक्त होकर अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।